सबसे अच्छी बात है कि जागरूकता जो है ये सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि गांवों में भी फैली हुई है। लोग समझ रहे हैं चीजों को कि अगर हम इस 21 दिन के लॉकडाउन में पूरी तरह से सेफ रहें तो ही हम अपने आने वाले दिनों को सेफ रख पाएंगे, अपने जो नई पीढ़ी है हम एक बेहतर कल दे पाएंगे, एक अच्छा भविष्य दे पाएंगे। ये एक बड़ी चीज देखने को मिल रही है मुकेश रांची में। पंकज, दिल्ली के अंदर लगातार मामले बढ़े हैं और आपके वहां रांची में भी केस बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कहां पर कमी है? देखिए कमी कहाँ पर है, जाहिर सी बात है ये एक ऐसी चीज है जब हम इसमें खुद को लेकर एक जो आत्मविश्वास होता है मुकेश वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पर है। हमें लगता है कि हम स्वस्थ हैं, हम किसी ऐसे लोगों से नहीं मिले हैं जो होंगे, तो हम अब क्योंकि आज दिन हम लगातार अगर पिछले एक महीने में अगर हम से पूछा जाए कि आप कहाँ कहाँ गए थे, किन किन लोगों से मिले थे, तो वो बता पाना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यही है, अगर वाकई में आप खुद भी सोचिए कि आप पिछले एक महीने में, चूंकि आप भी मीडिया से जुड़े हैं, मैं भी कहीं ना कहीं मीडिया से जुड़ा हूँ, तो हम पिछले एक महीने में कितने लोगों से मिले होंगे, कितने लोगों से संपर्क में आए होंगे। ये ठीक बात है कि आजकल हम हाथ नहीं मिला रहे हैं, सीधा संपर्क नहीं कर रहे हैं, ऐसे बहुत जैसे कहा जाता है कि जो किस सेंटीमीटर व्यक्ति ने छुआ अगर होगा उस सरफेस को, अगर हम वहां पर हाथ देते हैं तो हो सकता है हम भी इन्फेक्टेड हो जाए। तो मामले बढ़ने के पीछे बड़ी वजह यही कही जा रही है, साथ ही साथ जो कहा कि दिल्ली के साथ साथ झारखंड में भी मामले बढ़े, वाकई बढ़े मामले, और ये पब्लिक गैदरिंग की वजह से, जो कि दिल्ली में आपने सुना ही कि किस तरह से वहां पे गैदरिंग हुई थी, जमात हुआ था, तो वहां के बहुत सारे जो रांची अगर बात करें यहाँ पर भी तोरपा में, हिंद पीढ़ी में और कई जगहों पर ऐसे तबलीगी समाज के लोग पाए गए हैं जो कि दिल्ली में मरकज में जमात में शामिल हुए थे, और वो लौट कर आने के बाद से वो भी अलग अलग जो जेल हैं वहां के शहरों में पहुंच चुके हैं। तो फैलने की ये भी कही जा रही है, कुल मिला के गैदरिंग आपने पब्लिक गैदरिंग की और उसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं, हर एक आप ऐसे मुआने पर आकर खड़े हो गए हैं कि अब आपको पता नहीं है कि इस गैदरिंग के बाद जिस तरह से लोग यहाँ पर आए हैं और राज्य के अलग अलग हिस्से में फैले हैं, तो उसके बाद अब आने वाले दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या कितनी होगी और कितने लोग इससे प्रभावित होंगे। पंकज, एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि लोगों को ये कहा जा रहा है कि जो जरूरत का सामान है या तो लोग बहुत ज्यादा स्टॉक कर ले रहे हैं या फिर सामान के लिए लोग कई बार बाहर भी निकल रहे हैं। रांची की अगर हम बात करें तो जो डेली यूजेस की चीजें हैं वो आप लोग किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह का माहौल है वहाँ का? देखिए मुकेश, बिल्कुल ये आप बहुत ही वाजिब सवाल आप कर रहे हैं। अगर हम जो मिडिल क्लास की बात कर लें या हाई क्लास की बात कर लें, तो आमतौर पर ये एक हैबिचुअल होते हैं इस बात को लेकर कि महीने में कम से कम एक बार जाके पूरे महीने भर का राशन हम घर का ले आए, तो ये हम जैसे लोग कर पाते हैं या जो बड़े लोग हैं वो कर पाते हैं, लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खरीदारी करके अपना भोजन जो है वो खरीदते हैं या बनाते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी समस्या जरूर खड़ी। हालांकि हम झारखंड में बात करें तो यहाँ की सरकार की तरफ से बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है जो कि आम लोगों को सहूलियत प्रदान कर रही है। उदाहरण के तौर पर आप देखें तो यहाँ पर कई जगह पर दाल भात केंद्र खुले हैं, साथ ही साथ सीएम किचन खुला यहाँ पर है। उसके अलावा यहाँ जो झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी है उससे जुड़े हुए जो महिला सखी मंडल है, तो महिला सखी मंडल की तरफ से खाने की और राशन की पैकेजिंग करके उन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है गाँव गाँव में, जो लोग कुछ भी खरीद पाने में असमर्थ रहे हैं या फिर जिनके पास राशन खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो वहां तक पहुंचा दे रहे हैं। रही बात जमाखोरी की, तो वास्तव में जमाखोरी की समस्या से भी लोग जूझ रहे हैं, क्योंकि आजकल अब अगर आप जाते हैं दुकानों में कई बार आपको दूध नहीं मिलता है, तो कई लोग ऐसे हैं जो अगर डेली का उनका अगर रोज का खपत अगर दूध की है 1 लीटर, तो वो दो दो तीन तीन चार चार लीटर जो लोग बहुत लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो ये समस्या भी रांची में आ गई। और मुझे लगता है कम स्थिति देश में भी यही है कि जमाखोरी एक बड़ी समस्या बन के जरूर उभरी है। पंकज, एक सवाल ये है कि जिस तरह से कई राज्यों में कोरोना को लेकर खासा खौफ है, तो झारखंड रांची इसके आसपास के जो इलाके हैं यहाँ किस तरह का माहौल है, क्या वो डर लोगों में नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल मुकेश, शुरुआत के दिनों की अगर बात करें तो लोगों में बहुत ज्यादा खौफ नहीं था, लॉकडाउन का लगातार उल्लंघन हो रहा था, लोग सड़कों पर जा रहे थे, और जब मीडिया में इन खबरों को दिखाया गया तो प्रशासन है या पुलिस महकमा वो थोड़ी सी वो फोकस्ड हुआ इन चीजों को लेकर, कि जब देखा कि लॉकडाउन की बदनामी और उड़ रही है, खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है लॉकडाउन की,
तो थोड़ा प्रशासन और पुलिस की तरफ से थोड़ी इसमें दिखाई जानी शुरू हो गई। उसके बाद से लोगों को जो है काफी हद तक काबू किया जा चुका है कि वो घरों से बाहर ना निकले, जरूरत से ज्यादा वो घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। हालांकि यहाँ पर जो जिला प्रशासन है और जो राज्य का प्रशासन है, दोनों स्तर पर ऐसे लोगों के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं जिनके लिए बाहर निकलना जरूरी होता है। उदाहरण के तौर पे चाहे मीडिया कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो या चिकित्सा कर्मी हो, सबके लिए बाहर जारी किया गया। इसके साथ साथ यहाँ पर एक अच्छी बात ये भी देखने को मिली जिला प्रशासन में, यदि व्हाट्सएप के माध्यम से या मेल के माध्यम से किसी एक खास पर्पज से जो बहुत जरूरी हो, जिसको आप टाल नहीं सकते, उसके लिए आप अगर पास निर्गत करने के लिए कहते हैं तो उसका वेरिफिकेशन करने के बाद आपको पास भी जारी किया जा रहा है। और साथ ही साथ तो कुल मिलाकर ये आप देख पा रहे हैं तो ये चीजें हो रही। इसके साथ साथ एक बहुत ही खास बात यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि यदि आप जैसे शहर में किसी दूसरे तरफ जा रहे हैं, आप लोगों ने ये भी किया है कि वो गैस जो एलपीजी गैस का खाली सिलेंडर है वो गाड़ी में रख लेते हैं और सिलेंडर के नाम पर वो घूमते फिरते हैं, ऐसे लोग भी पकड़े गए थे। तो पुलिस ने सख्ती दिखाई और उनसे बाकायदा आधार कार्ड और नंबर किया जा रहा है, ऐसे लोग जो पकड़े जा रहे हैं रोड पर कि वो कहाँ के रहने वाले और कहाँ जा रहे हैं। कई लोग ऐसे ही पकड़े गए कि जो रहते कहीं पर हैं और बेवजह का सामान लेने के लिए दूसरे जा रहे हैं, ताकि उनका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो, वो थोड़ा सा वो अपने मन को थोड़ा समझा पाए। तो ऐसे लोग को पुलिस ने साफ से हिदायत दे दी है कि जब अगर आप किसी बड़े मॉल में जाकर सामान लेने वाले का शौक भी रखते हैं तो भी इस दौरान में आपको छोटी सी परचून दुकान जो आपके बगल में है, पड़ोस में है, आपको वहीं से खरीदना है। इस बात पर भी यहाँ पे जोर दिया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं और लोगों में खासतौर से जब ये दो मामले सामने आए और अब एक और हजारीबाग से मामला आया सामने, जब मामले दो बढ़ गए यहाँ पर मरीजों की संख्या, तो उसके बाद से लोगों में थोड़ा सा खौफ देखने को मिल रहा है। और अगर आप गली में जाते हैं, सड़कों पर जा रहे हैं, तो अब सुनसान सी स्थिति धीरे धीरे बनने लगी, जो कि आज से मुझे लगता है 4-5 दिन पहले तक नहीं थी, लेकिन अब पिछले आज और कल में जब दो दो मरीज यहाँ पर संक्रमित जो पाए गए पॉजिटिव, उसके बाद से स्थिति में थोड़ा सा बदलाव आप देख रहे हैं और लोग थोड़ा ज्यादा पालन करते नजर आ रहे हैं इस लॉकडाउन का। बहुत 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 शुक्रिया पंकज, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।